आज हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उन पर पेट्रोल डालकर जला देने वाले आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर 2 दिसंबर की शाम जनपद के सरेनी क्षेत्र में सरेनी चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला गया और मौन रखा गया। आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी के निकट सादनगर कस्बे में पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की रेप के बाद आग लगाकर नृशंस हत्या कर दी गई। मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से मानवता को शर्मसार करने वाला जघन्य अपराध की जानकारी प्रसारित होते ही देश में आक्रोश का माहौल बन गया और सभी ऐसे अमानवीय आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर अपराधियों को फांसी दी जाएगी, जिससे महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले के मन में कानून का खौफ पैदा हो सके। इसी मौके पर भाजपा नेता दीप प्रकाश शुक्ला, सिद्धार्थ त्रिवेदी, अमर अवस्थी श्रीकांत त्रिपाठी, लालू तिवारी, अनुज शुक्ला आदि लोग उपस्थित थे। रायबरेली से ब्यूरो हर्ष त्रिवेदी की स्पेशल रिपोर्ट।